दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा। दौलतपुर चौक में शनिवार को आए तूफान ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं रविवार सुबह 4 बजे गांव नंगल जरियाला में भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसमें भाजपा नेत्री ब्रिजलाल बाला सूद का परिवार बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि नंगल जरियाला के मियाँ के तालाब पर वर्षों पुराना आम का वृक्ष एकाएक धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि रात होने के कारण सड़क पर कोई भी आवाजाही नहीं थी और पास में स्थित घर में सूद परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे। उधर सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत पदाधिकारियों, लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर इस पेड़ को कटवाकर सड़क से हटवाया, जिससे आवागमन दोबारा से शुरू हो पाया। 3 बजे अचानक जो आंधी और तूफान आया था, उसकी वजह से जो आम का पेड़ है जो पटवार ब्रिज के पास था, पटवार खाने के पास था, उससे हमारा जो सूद प्रधान जी का मकान है, चक्की है और जहां अपना ठेका भी है, वो दुकानें सेब बच गई हैं, लेकिन कोई उससे जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। और सवेरे हमें 6 बजे करीब प्रधान मैडम का फोन आया था, सूद मैडम का, और उन्होंने कहा कि ऐसे गिर गया। तो मौके पर हमारी प्रधान मैडम सीमा मैडम जी, पटवारी शुभम जी और गार्ड देविंदर, सभी प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे पहुंच गए हैं। और हमने पीडब्ल्यूडी के जेई विनोद शर्मा जी को भी फोन करके बताया है और वो भी हमें पीडब्ल्यूडी की जेसीबी और टिप्पर यहाँ पे भेज रहे हैं। और इमरजेंसी में जो रोड बंद हो गया है उसको हम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी रोड को ओपन किया जाए और ये रोड खुल जाए, लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दौलतपुर चौक से AK कालिया की रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्लस टू मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60-60 सीट्स का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10 प्लस टू में 45% अंक और ST/ST विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही उन्हें बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं PCI से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लास रूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि DDM में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि PG डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा DDM स्कूल में नर्सरी से लेकर 10+2 तक दाखिला प्रक्रिया भी जारी है। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।